हमने सीखा, पहला, एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब, पहला, त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं की मापों का योग सबसे बड़ी भुजा की माप से अधिक होता है, दूसरा, दो भुजाओं की माप और उनके बीच बने कोण की माप दी गई हो, तीसरा, एक भुजा और उसके सिरों पर बने दो कोणों की माप दी गई हो, चौथा, त्रिभुज का आधार, आधार का कोई एक कोण और शेष दो भुजाओं का योग दिया हो, पांचवा, त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण और शेष दो भुजाओं का अंतर दिया हो, छठवां, त्रिभुज का परिमाप और आधार के दोनों कोण दिए हों। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज की रचना की जा सकती है जब उसके दो विकर्ण और उनके बीच का कोण दिया हो। तीसरा, समलंब चतुर्भुज की रचना की जा सकती है जब दो आसन्न भुजाएं, उनके बीच का कोण तथा समांतर भुजाओं का पता हो। चौथा, एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। पांचवा, एन भुजा वाले बहुभुज के केंद्र पर प्रत्येक भुजा द्वारा बनने वाला कोण 360 अंश बटे एन होता है। छठवा, वृत्त के परिगत एवं अंतर्गत बहुभुज की रचना की जा सकती है।